मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि पेपर शीट पर कैसे उतारते हैं सेक्शन ए बी सी। तो पहले मैं सेक्शन ए और बी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो देख सकते हैं आप सेक्शन ई है, सेक्शन ई में सबसे पहले हमें आंसर सेक्शन ए लिखना है, फिर आंसर नंबर वन ये बिल्कुल मिडिल में आएगा, साइड में नहीं लेके चलना है। और फिर आपको यहाँ पर यह अनसीन पैसेज दिखाई दे रहा है, अनसीन पैसेज लिखना है, ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है बिल्कुल। कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपको हेडिंग लिखनी है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी। और दो शब्द शुरू के तो लास्ट के, जैसे कि पैसेज का मैंने पैटर्न बता रखा है। देन आपको क्या करना है, देखिए सर ए है ऑप्शन तो ए बी सी डाल रखा है और यहाँ पे जो भी सही है वहाँ पे लिखना है हमें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं सिर्फ नंबर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर नंबर भी लिखना है। आप देख सकते हैं शीट पर इस ढंग से आएंगे, मल्टीपल जो होते हैं वहाँ पे लाइन नहीं छोड़नी है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ए देखो मैंने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है, यहाँ पे ए का आंसर इतना है, बी का इतना बड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लाइन का गैप जो देख रहे को मिल रहा है आपको, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है आजकल पेपर में, बहुत ज़रूरी हो गई है। लास्ट में आ गए देखो पीटीओ लिख दिया क्योंकि मेरा अभी आंसर पूरा नहीं है, सी सेक है सेक्शन आई मीन सी क्वेश्चन नंबर है, उसके बाद और भी है। तो चलिए देखते हैं क्या है बैक साइड पे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है, देख ये डी और ई एफ जी, देख सकते हैं यहाँ पे एक एक लाइन का गैप छूटा हुआ है, यानी कि जी में ये है सेम मीनिंग वगैरह लिखी है, इसी ढंग से लिखना है और ऐसी प्रेजेंटेशन आएगी इसी तरीके से आपको। तो दोस्तों ये है आंसर नंबर टू, अनसीन पैसेज कहते हैं इसे भी। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो वर्ड शुरू को लिख रखे हैं, दो वर्ड लास्ट के, ये जरूर करना है। और पैसेज में बच्चे क्या करते हैं इसे डायरेक्ट कर देते हैं, मार्क्स बहुत कट जाते हैं क्योंकि उसमें टीचर को पता नहीं चलता कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है या पैसेज के आंसर है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है और यहाँ पे मैंने दो वर्ड शुरू के दो लास्ट के लिख रखे हैं। और जैसा फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं ये ए और बी ये मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर नंबर ही लिख रखा है, गैप भी दे रखा है यहाँ पे ताकि बहुत नीट एंड क्लीन लगे। उसके बाद मैंने सेकंड देखा है, सेकंड जो पार्ट होता है लिखने वाला होता, तो यहाँ पर मैंने ए का ज़्यादा बड़ा नहीं था, जितनी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की उतना ही लिखा है मैंने। तो देखिए यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है, उसके बाद देखिए फिर ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। देन आपको सी में जो इसका तीसरा है बी के बाद सी, वो भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये यहाँ तक आपका आंसर आ रहा है। देन फिर मैंने आपका गैप लिया है यहाँ पे, उसके बाद फिर देखो डी और यहाँ पे भी गैप देखो दिया है मैंने इस चीज़ का, इसका भी ख्याल रखना है आपको। उसके बाद आपको देखो ई में भी मैंने यहाँ पे देखो ये लास्ट में यहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ पे हमारा ये ई, उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे गैप लाइन थी लेकिन फिर भी मैंने इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करी और नेक्स्ट पेज पे किया है। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों ये है एफ, तो देखिए ई के बाद एफ हमने करा है यहाँ पर और ये तीन लाइनों में लगभग ढाई लाइनों में आया है और ज़्यादा बिल्कुल एवरेज इसकी जो मैक्सिमम वर्ड हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद देखो जी में फिर वही वर्ड मीनिंग का हमें सेम मीनिंग लिखना है और हमें यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा है और एक लाइन का गैप देखे और यहाँ उसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये गैप जो बच रहा है हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है सेक्शन का और नोट मेकिंग को हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि नोट मेकिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसका फॉर्मेट भी होना बहुत जरूरी है क्योंकि पैसेज में थोड़ा बहुत चल जाता है आंसर दे देता है नंबर, लेकिन नोट मेकिंग का फॉर्मेट बहुत अच्छा और सुटेबल इफेक्टिव होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए फिर हमने नोट मेकिंग ली है और नोट मेकिंग को हमें हाँ तो पैसेज के बाद ये है नोट मेकिंग, जैसे कि आप देख सकते हो नोट मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ये शीट पर कैसे होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर नंबर है, फिर ये नोट मेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो थ्री ए लिखा है यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ मैंने आपको टॉपिक देख रहे हैं आप बिल्कुल कैपिटल में नीट एंड क्लीन एंड ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, काफ़ी अट्रैक्टिव और ये अलग से ही हाईलाइट हो रहा है। देन मैंने नोट्स लिखे हैं बिल्कुल फॉलो करा है मैंने उसका फॉर्मेट और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग किस ढंग से मैंने लाइनों को रखा है, यहाँ पे छोड़ा है और यहाँ पे गैप दिया है आप देख सकते हैं 1.1 1.2 1.3 1.3 का ए, उसके बाद देखो एक लाइन छोड़ी है मैंने हर हेडिंग को करने के लिए देख सकते हैं अब यहाँ पे। और लास्ट में आके मैंने यहाँ पे पीटीओ लिखा है क्योंकि मेरी हेडिंग अभी यहाँ पे आ ही नहीं पा रही, तो नेक्स्ट पेज पे हो सकता है आएगा। तो उस ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस ढंग से यहाँ पे हेडिंग ली है मैंने, देखिए फिर ये आगे तीसरी हेडिंग है ये मेन और आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप,
देन फिर मैंने यहाँ पे फिर चौथी लिखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एब्रीवेशंस, की टू एब्रीवेशंस, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है मैंने, यहाँ पे एब्रीवेशन वर्ड्स जो हमने बनाया है, और फिर यहाँ पे पूरा जो पूरा ये वर्ड होता है इसका वो लिखा है मैंने, और यहाँ पे फिर इसे बॉक्स में बंद कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पूरा पूरा प्रॉपर ये एक पेज पूरा आया है। और उसके बाद फिर हमने देखो यहाँ पे ये समरी ली है, समरी को आप देख सकते हैं, पहले हमने 3B लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में आंसर नंबर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में दोस्तों। देखो यहाँ पे समरी लिख रखी है, यहाँ पे मिडिल में भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे फिर ये टॉपिक है, देन आप देख सकते हैं ये समरी है और टॉपिक लिखना ज़रूरी है इसमें, और उसके बाद बॉक्स में बंद किया गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि कैसे शीट पर दिखती है। तो ये समरी थी और नोट मेकिंग थी ये पूरी। तो ये था सेक्शन ए।